क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच से ठीक पहले भारत और आयरलैंड के बीच दो T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। टीम इंडिया डबलिन पहुंच चुकी है और यहीं पर दोनों T20 मैच खेले जाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस भी शुरू हो गई और पहली बार कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में कौन कौन खेलेगा ये भी करीब फाइनल हो गया है। नेट्स पर इसकी तस्वीर नजर आई है जिसमें 3 बदलाव कन्फर्म दिख रहे हैं। तो कैसी होने वाली आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच की टीम, आपको दिखाते हैं बताते हैं। और हार्दिक ने क्यों चुना इन खिलाड़ियों को ये भी बताएंगे। आप भी इस टीम को लेकर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो भारत की सीनियर टीम एक तरफ तो लिसेस्टर शायर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रही है, तो वहीं भारत की T20 टीम आयरलैंड पहुंच चुकी है जहां 26 जून को पहला मैच खेला जाना है। अब प्रैक्टिस जोरों पर है। नेट्स पर साफ कर दिया गया है कि कौन मैच खेलेगा, कौन बाहर बैठेगा, और इसीलिए दो मेन नेट्स पर मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को ही प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो सीधे टीम पर आते हैं। टीम इंडिया के लिए यहां ओपनिंग करने आएंगे ईशान किशन, जिन्होंने पिछले सीरीज में कमाल का खेल दिखाया था, और यहां भी किशन ही ओपनिंग करेंगे और उनके जोड़ीदार भी वही रहेंगे, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ ईशान किशन के साथ यहां पर ओपनिंग करेंगे। पहला बदलाव तीसरे नंबर पर होने जा रहा है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की वापसी हो रही है। हालांकि यहाँ पर एक और विकल्प मौजूद था राहुल त्रिपाठी के रूप में, लेकिन सूर्या को तीसरे नंबर पर प्लेस किया जा रहा है। सूर्या लंबे समय बाद टीम इंडिया के लिए मैच खेलेंगे। वहीं चौथे नंबर पर एंट्री हो रही है दीपक हुड्डा की। जी हाँ, लंबे समय से बेंच पर बैठे दीपक हुड्डा को फाइनली यहां पर टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करेंगे और स्पिन डिपार्टमेंट्स में भी अपना हाथ दिखाएंगे। वहीं पांचवें नंबर पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या खेलने आएंगे, ये भी कन्फर्म हो गया, और यहां पर भी कोई बदलाव नहीं है। जबकि छठे नंबर पर एक और दिग्गज फिनिशर दिनेश कार्तिक खेलने आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश कार्तिक ही विकेट कीपिंग का भी जिम्मा संभालेंगे, यानी कि ईशान किशन टीम में मौजूद है लेकिन विकेट कीपिंग करेंगे दिनेश कार्तिक। अब यहाँ पर बल्लेबाजों में फिलहाल संजू सैमसन को बाहर बैठना होगा। राहुल त्रिपाठी को भी मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि दीपक हुड्डा पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव तो मेन स्क्वाड में जगह बनाने की काबिलियत रखते हैं, और इसीलिए इन दोनों को यहाँ पर बल्लेबाजी में इंजेक्ट किया गया है। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो बदलाव यहां पर भी हो रहा है। टीम में स्पिनर के रूप में युजवेंद्र चहल खेलेंगे, लेकिन अक्षर पटेल यहां पर नहीं खेल रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ही स्पिनर खिलाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर दूसरे स्पिनर के तौर पर दीपक हुड्डा टीम में मौजूद है। अब 4 तेज गेंदबाजों को यहां पर मैच खिलाया जा रहा है, और पहले तेज गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवी टीम के उपकप्तान भी हैं और भुवी ही पेस अटैक को लीड भी करेंगे। भुवी का साथ देंगे हर्षल पटेल, जो कि लगातार बेहतर से और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं और T20 स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं, और डेथ ओवर्स में वो कमाल की बॉलिंग करते हैं। तीसरे तेज गेंदबाज आवेश खान फिर से टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, और आवेश ने अपनी घरेलू सीरीज में साउथ अफ्रीका के साथ जबरदस्त खेल दिखाया था, और यहां भी अपनी गति से वो कमाल कर सकते हैं। सबसे खास है आखिरी खिलाड़ी, और वो है उमरान मलिक। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, उमरान मलिक को फाइनली टीम इंडिया डेब्यू का मौका यहाँ पर मिलने जा रहा है। उमरान मलिक टीम के चौथे तेज गेंदबाज होंगे और अक्षर पटेल की जगह पर टीम में एंट्री करेंगे, और आयरलैंड दौरे पर कोच बनाए गए VVS लक्ष्मण उमरान के साथ सनराइजर्स हैदराबाद में खूब काम कर चुके हैं, और लक्ष्मण उनकी काबिलियत को जानते हैं, और इसीलिए फाइनली यहाँ पर लक्ष्मण उनका डेब्यू करवा रहे हैं। लक्ष्मण उन्हें पहला मैच खेलने का मौका दे रहे हैं, और बहुत बड़ी उम्मीद है यहाँ पर उमरान मलिक से लगी हुई है, उनकी गति से, उनकी तेजी से लगी हुई है। तो कुल मिलाकर 3 बदलाव यहाँ पर कंफर्म नजर आ रहे हैं, और तीनों बदलाव जबरदस्त हैं, और टीम नेट्स पर खूब पसीना बहा रही है। अब देखना होगा कि ये टीम कितने अंतर से, कितने बड़े अंतर से मैच जीतती है, क्योंकि आयरलैंड को हराना बहुत मुश्किल होगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ कितने बड़े अंतर से जीतेंगे ये देखना बाकी है। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंग्लैंड के साथ 1 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू होगा, और इस टेस्ट मैच से पहले लिसेस्टर शायर के साथ 4 दिन का अभ्यास मैच होना है। गुरुवार से शुरू हो रहे इस अभ्यास मैच से पहले टीम इंडिया जबरदस्त प्रैक्टिस कर रही है, खूब पसीना बहा रही है। रोहित शर्मा की बतौर कप्तान ये इंग्लैंड में, या कहें कि बाहरी देशों में, अब्रॉड में पहली सीरीज है, और रोहित को अपनी टीम को जिताना ही होगा क्योंकि पिछले साल विराट की अगुवाई में टीम ने कमाल का खेल दिखाया था, और वही रोहित को यहां दोहराना होगा, तभी इतिहास में रोहित का नाम भी दर्ज होगा, और इसीलिए टीम पूरा खूब पसीना बहा रही है। अब इस बीच लिसेस्टर शायर से एक वीडियो सामने आया जो कि हैरानी भरा था, और यहाँ पर विराट कोहली कप्तान नहीं बल्कि सुपर कप्तान की भूमिका में थे, और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पर हेड कोच राहुल द्रविड़ या फिर कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे और विराट कोहली जूनियर्स को समझा रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, बल्कि मैदान में जब टीम की मीटिंग हुई तो जैसे ही टीम मीटिंग में कप्तान की स्पीच होती है ठीक वैसे ही उसी तरह विराट कोहली स्पीच दे रहे थे, जोशीली स्पीच दे रहे थे, रॉबिली स्पीच दे रहे थे। जी हाँ, विराट टेस्ट मैचों के साथ साथ सारे
फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ चुके हैं, लेकिन विराट कप्तानी भले छोड़ चुके हैं लेकिन तेवर उन्होंने छोड़े नहीं है। इसीलिए विराट पुराने अंदाज में लौट चुके थे, पुराने अंदाज में वैसी जोशीली स्पीच दे रहे थे। और हैरानी की बात ये थी कि विराट कोहली की इन बातों को सारे खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ तो सुन ही रहे थे, और हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा भी चुपचाप विराट कोहली की बातों को सिर झुकाकर सुन रहे थे, समझ रहे थे। और एक तरह से विराट कोहली यहाँ पर सुपर कैप्टन की भूमिका में नजर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि विराट सभी को समझा रहे थे कि क्या करना है, विराट ही प्लान बना रहे थे कि कैसे मैच जीतना है। अब भले ही विराट कोहली कप्तान नहीं, लेकिन उनके तेवर वही थे कप्तानी वाले, और इसीलिए उन्हें सुपर कैप्टन कहा जाने लगा। और वैसे भी विराट कोहली का जो विदेशी दौरे का अनुभव है वो कमाल का है, इसीलिए तो विराट कोहली यहाँ पर सभी को समझा भी रहे थे और खुद राहुल द्रविड़ तक उन्हें सुन रहे थे। अब जो लोग ये मान रहे थे कि विराट कोहली खत्म हो गए, उनका करियर खत्म हो गया, तो वो ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जिस अंदाज में विराट दिखे हैं, जिस जोश और रोबीले अंदाज में उन्होंने स्पीच दी, विराट ने विराट के फैंस फिर से उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, विराट कोहली को सुपर कैप्टन तक, और विराट कोहली भी बिल्कुल सुपर कैप्टन के अवतार में दिखे, सभी को समझाते हुए बताते हुए दिखे। अब ये तो ठीक है कि विराट ने रोबीली स्पीच दी, लेकिन एक और बात बहुत जरूरी बात है कि विराट कोहली का कद तब और ज्यादा ऊंचा होगा जब विराट कोहली इस एकमात्र टेस्ट मैच में रन बनाएंगे, शतक बनाएंगे और भारत को मैच भी जिताएंगे, सीरीज भी जिताएंगे, क्योंकि ये उनकी जीत होगी उनकी कप्तानी में। पिछले साल भारत इंग्लैंड में सीरीज में 2-1 से आगे हो गया, और यहां मैच जीतना जरूरी है सीरीज जीतने के लिए, और यहां पर मैच जीते हैं, विराट कोहली उसमें योगदान करते हैं, तो ये उनकी ही जीत मानी जाएगी, उनकी ही कप्तानी की जीत मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर विराट कोहली ने जबरदस्त वापसी की है, और उनके अंदाज से साफ है कि एक बार फिर मैदान में वैसा ही एटीट्यूड देखने को मिलने वाला है, वैसा ही दमखम देखने को मिलने वाला है। तो आपका क्या मानना है, क्या विराट कोहली का ये अंदाज रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं आया होगा इसीलिए चुपचाप सुनते रहे, या फिर विराट के अनुभव का फायदा लेना चाहते हैं यही दोनों इसीलिए विराट को इस तरह की स्पीच दी होगी? तो आपका क्या मानना, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, विराट की स्पीच का ये पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक जरूर करें। तो अफ्रीका के साथ सीरीज में पहले दो मैच भारतीय टीम हार गई और लगने लगा कि अब तो सीरीज हाथ से गई, लेकिन अगले दो मैचों में जबरदस्त वापसी हुई और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अब इसके बाद बेंगलुरु में डिसाइडर मैच था, लेकिन बारिश की वजह से वो भी रद्द हो गया और सीरीज को फाइनली 2-2 से बराबर घोषित कर दिया गया। अब शुरुआती दो मैचों के बाद पंत की कप्तानी पर, उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सीरीज खत्म होते होते पंत की कप्तानी की तारीफ होने लगी, और सीरीज खत्म होते ही पंत को बड़ा इनाम भी मिल गया, लीडरशिप टीम में बड़ी जगह भी मिल गई। 19 जून को जैसे ही मैच रद्द घोषित किया गया तो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपना बैग पैक कर लिया, क्योंकि 20 जून की सुबह 3 बजे इनकी लंदन की फ्लाइट थी। टेस्ट टीम के हिस्सा ये खिलाड़ी और कोच सीधे इंग्लैंड रवाना हो गए। अब ऋषभ पंत और उनकी फ्लाइट इंग्लैंड पहुंची भी नहीं होगी, वो अभी फ्लाइट में ही होंगे, कि 20 जून की सुबह सुबह खबर आ गई कि ऋषभ पंत को इनाम मिल गया है। जी हाँ, पंत को इंग्लैंड दौरे पर फुल टाइम उप कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा है, तो पंत को केएल राहुल की जगह पर उप कप्तान बना दिया गया है, और साथ ही साथ इसके बाद होने वाली इंग्लैंड के साथ वनडे और T20 सीरीज में भी ऋषभ पंत ही उप कप्तान की भूमिका में होंगे। यानी कि एक तरह से पंत को लीडरशिप ग्रुप में, लीडरशिप टीम में जगह दे दी गई है, पंत को रोहित के साथ फुल टाइम उप कप्तानी दी गई है, क्योंकि राहुल चोटिल हो गए, उनकी वापसी कब होगी खुद राहुल को ही नहीं पता है। खबरें तो यहां तक हैं कि केएल राहुल वर्ल्ड कप तक भी शायद ही फिट हो पाए, तो ऐसे में पंत को उप कप्तान बनाया गया है, तो तय मानिए कि ऋषभ पंत अब लंबे समय तक के लिए टीम में शामिल है लीडरशिप के रूप में और टीम में उप कप्तान के रूप में, और अच्छा खेल दिखाते हैं, अच्छी कप्तानी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो आगे भी उनकी लीडरशिप टीम में जगह पक्की ही रहेगी, और चल पड़ी तो फिर तो रोहित के बाद कप्तान बनने से भी उन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।